अरे आप जिस हाईवे से किश्तवाड़ छात्रों हमें घंटा भी नहीं लगा, क्या वो 2018 के बाद बना? जो सब डिवीजन की दफ्तरें कायम हुई, जो नए ब्लॉक बने, जो नई तहसीलें बनी, जो हुकूमत को लोगों के ज्यादा करीब लाने के फैसले हुए, क्या वो 2018 के बाद हुए? उल्टा कई जगहों पे हमने नए ब्लॉक बनाए, वहां इन्होंने वीडियो नहीं बिठाया। कई जगहों पे हमने तहसील के ऐलान किए, तहसीलदार नहीं बिठाया। हमने एसडीएम कायम किए, एसडीएम ही नहीं बिठाया। तो फिर अपने दौरे हुकूमत में हमने यहां पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, इस उम्मीद के साथ कि यहां के बच्चे बच्चियां उन प्रोजेक्टों में काम करेंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, जिन्होंने काम तालीम हासिल की होगी कम से कम मजदूरी करेंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं ठेकेदारी करेंगे। लेकिन आज दिखता नहीं है कहीं, मजदूर भी बाहर से, ठेकेदार भी बाहर से, मुलाजिम भी बाहर से। मुझे कोई इख्तदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे। आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था, और जैसे हमने यहां पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहां पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं होती। हमें कहा गया था कि 370 हटाने से यहां अमन आएगा, यहां तरक्की के काम शुरू होंगे, यहां बाहर से पैसा आएगा और लगेगा, यहां पे नौजवानों को रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर फरहम किए जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर यहां छात्रों की सरजमीन पे आके आपसे मुखातिब होऊंगा, आपके सामने बात करूंगा। बाकी इस तंजीम को मजबूत करिएगा, क्योंकि यही एक तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी सब उन्हें हाथ ऊपर कर लिए हैं। हम ही हैं जिनका जम्मू में भी है, जिनका जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी है, और जिनका कश्मीर में भी है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस तंजीम को मजबूत करिएगा, क्योंकि हम ही लोग हैं जो आपकी जमीनों की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी नौकरियों की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी गुर्बत को दूर करने की लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। मैं प्यारे लाल जी आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि आपने ये प्रोग्राम आज हमारे लिए रखा। इसके साथ साथ आपके जो साथी हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग और तरक्की करें और फलें फूलें, लोगों के बीच में अपना तालमेल जो है जिस तरह सागर साहब ने कहा बनाए रखें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रवाल में कुल ब्लॉक 8 हैं, जिनमें 5 ब्लॉक जिला किश्तवाड़ से मुंसलिक है, जैसे बंजवा, धर्मशाला, ठाकरी केशवान, मगन मैदान, इंद्रवाल छात्रू वगैरह काफी जिक्र है। इसके अलावा 3 ब्लॉक जिला डोडा के साथ है, जैसे कारा, ठाकरी, मटियास वगैरह है। मैं तनवीर अहमद किश्तवाड़ साहब को सदारत में जिला किश्तवाड़ में तंजीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, और तमाम अरकान हो गया सर, अमन रोज ही से बिलाल लिहाज मजहब मिल्लत जात बरादरी जैसे इस तंजीम ने अपने दूर हाजिर है। हमें हमारे आवाम में चार आवाज
सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर श्री रतन लाल गुप्ता की सुभाई सदर कैबिनेट के लिए काम करें। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।